नमस्कार, मेरा नाम प्रसाद सहगल है। मैं चालीगांव का रहने वाला हूँ। मुझे अप्रैल में स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण मेरा चलना फिरना काफ़ी मुश्किल था। मैं एक जगह पे ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहा था। फिर मेरा ट्रीटमेंट चला संजय जी हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं कंप्लीट 2 मंथ बेड रेस्ट पे था, जिसके कारण मेरी स्पाइन काफ़ी मतलब उसकी मोबिलिटी वगैरह कम हो गई थी। उसके बाद मैं नहीं कर पा रही थी। पहले मैं आने के बाद भी क्या क्या दिक्कत लग रही थी? जैसे मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था तो मेडिकेशन वगैरह चालू थे, वीकनेस बहुत था, उठना फिरना काफ़ी मुश्किल था और एक जगह भी नहीं बैठ सकता था मैं ज़्यादा। तो उसके बाद फिर कहाँ पे क्या करा? उसके बाद मैं 2 जगह पे गया फिजियोथेरेपी करने, पर उससे मुझे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा। सच फिजियो का नाम सुन के फिजियो कराने चलना है? हाँ, ऐसा करके मैं गया था, पर वहाँ पे आज दिन इतना कुछ मुझे नहीं लगा। मतलब वही जो तरीका था वही था। तरीके से तो कोई मतलब नहीं, मतलब वहाँ फिजियो कराने के बाद कुछ आराम वगैरह आया? आराम आया था थोड़ा, पर इतना नहीं आया था। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? या फिर मैंने आपका पैम्पलेट देखा न्यूज़पेपर में, बाबजी हॉस्पिटल में आप डॉक्टर मिश्रा करके है, तो मैं आया, सर से मिला। सर ने फिर मेरा सब फाइल्स वगैरह देखी, फिर बताया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से। तो जब आप मेरे पास आए थे तो उसके बाद क्या क्या नहीं कर पा रहे थे पहले? उसके बाद सर मैं एक जगह पे ऐसा अभी जैसे बैठा हूँ वैसे बैठ नहीं पा रहा था। मेरा मतलब जैसी दिक्कत होती थी ऐसा नहीं कर पा रहा था। मूवमेंट सारी होती थी, चलना डेली का मूवमेंट भी नहीं था इतना, मतलब थक जाता था मैं अभी। उसके बाद में जैसे सर सर ने बताया एक्सरसाइज वगैरह, मैं भी घर पे करता था। सर भी बहुत मतलब यहाँ 10 दिन करा, उसके बाद भी बहुत मूवमेंट मेरी पूरी हो रही है। जैसे मैं बैठ पाता हूँ 2-2 घंटा 3-3 घंटा आराम से बैठता था। बाकी मतलब कैसा लगा और जगह से हमारे यहाँ आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर से मिलने के बाद, एकदम बहुत अच्छे से बताया सर। या और भी तरीके के लोग जो इधर उधर भी जाते हैं अमूमन, तो उस एक्सपीरियंस को लेकर के अपने एक्सपीरियंस से आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि इसमें ऐसा डरने की बात नहीं है। ज़्यादातर लोग जैसे टीबी वगैरह के मूवमेंट में, तो फिजियोथेरेपी का बहुत ये मतलब अगर आप करेंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह तो उससे मोबिलिटी भी आएगी और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत फैमिली से ट्रीट करेंगे। ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स मूड में आइए, आपका ट्रीटमेंट हो जाए।